डीजीपी चयन का मामला जो है अब हाईकोर्ट पहुंच चुका है। तो आईपीएस जीएल त्रिपाठी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। डीजीपी चयन को लेकर जो लिस्ट भेजी गई है उसमें उनका नाम शामिल नहीं है और इसी के चलते वो फिलहाल नाराज है। तो सरकार ने पद के लिए संघ लोक सेवा आयोग को जो लिस्ट भेजी है उसमें उनका नाम नहीं है और इस दौरान उन्होंने वरिष्ठतम अधिकारी होने का हवाला दिया है। तो डीजी नागरिक सुरक्षा है जयल त्रिपाठी, 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं जयल त्रिपाठी। और अब ये कहा जा रहा है कि जो याचिका उनकी तरफ से दाखिल की गई है उस पर 24 जनवरी को सुनवाई होगी। तो फिलहाल जो संघ लोक सेवा आयोग को सूची भेजी गई है उसमें 7 नाम शामिल है इस रेस में कि अगला यूपी का डीजीपी कौन होगा। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर जहां डीजीपी चयन का जो मामला है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच चुका है, क्योंकि इस मामले में आईपीएस जीएल त्रिपाठी ने एक याचिका दाखिल की है और नाराजगी जताई है कि आखिरकार 7 डीजीपी की जो सूची संघ लोक सेवा आयोग को भेजी गई है उसमें आखिरकार उनका नाम शामिल क्यों नहीं है। और वरिष्ठतम अधिकारी का उन्होंने हवाला दिया है, कहा है कि मुझसे काफी जूनियर जो अधिकारी हैं उनके नाम शामिल हैं लेकिन मेरा नाम उसमें शामिल नहीं है। और गगन मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। गगन, नाराजगी यहां पर जताई गई है जयल त्रिपाठी के जरिए, याचिका दाखिल की गई है लेकिन 7 नाम जो फिलहाल संघ लोक सेवा को भेजे जा चुके हैं उसमें से अब देखना होगा, लेकिन क्या इस पर अभी किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया आ पाई है? देखिए फिलहाल प्रतिक्रिया तो कोई नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से जवाहरलाल त्रिपाठी यानी कि जयल त्रिपाठी ने जो याचिका दायर की है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि हितेश चंद अवस्थी और उनको छोड़कर बाकी सभी जितने अधिकारियों के नाम भेजे गए हैं वो सभी उनसे जूनियर हैं और उनके नाम फिर भी नहीं है, क्योंकि वो तीसरे पैदान पर हैं जिसमें नाम भेजा गया है हितेश चंद अवस्थी, वो 1985 बैच के हैं। साथ ही साथ जो सुजानवीर सिंह का नाम भेजा गया है वो भी 1986 बैच के हैं, लेकिन जिसमें जवाहरलाल त्रिपाठी का नाम मौजूद नहीं है। नाराजगी सिर्फ इतनी है कि जब जूनियर अधिकारियों के नाम भेजे गए हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 वरिष्ठतम अधिकारियों के नाम भेजे जाएंगे, बल्कि जेएल त्रिपाठी जो जिन्होंने याचिका की है वो स्वयं तीसरे स्थान पर है, तो उनका आखिरकार नाम क्यों नहीं भेजा गया है, जो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। फिलहाल मामले की सुनवाई 24 जनवरी को होनी है, हाईकोर्ट क्या स्टैंड लेता है वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल जेएल त्रिपाठी की नाराजगी सामने आई है। सरकार इसमें क्या स्टैंड लेती है, सरकार इसमें कोई सफाई देती है वो तो समय बताएगा। लेकिन गगन ये देखना भी होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि 24 जनवरी को कहा गया है कि इसमें अगली सुनवाई होगी। चलिए फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।